जानिसार ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे बाबा साहब फराज से भी मिलने के लिए जाते हैं और फराज से कहते हैं कि मेरे बेटे से दूर रहो, मेरा बेटा अब तुमसे मोहब्बत नहीं करता, जिस तरह तुम उसे छोड़कर चली गई थी उसके बाद उसकी क्या हालत थी वो सिर्फ हम लोग ही जानते हैं। अब दुआ उसकी ज़िंदगी में आ चुकी है, उससे मोहब्बत करती है और वो भी उससे मोहब्बत करता है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से नुशेरमा को किसी और तकलीफ़ का सामना करना पड़े। फराज ये सुनने के बाद बाबा साहब से कहती है कि आप लोगों ने नुशेरमा को मुझसे अलग कर दिया था लेकिन अब मैं अपना नुशेरमा वापस लेकर रहूँगी, मैं नुशेरमा से मोहब्बत कहती हूँ, नुशेरमा कभी भी मेरी मोहब्बत को ठुकरा नहीं सकता, वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है, वो दुआ से मोहब्बत कभी भी नहीं कर सकता और मैं नुशेरमा और दुआ को अलग करके ही रहूँगी। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे फराह ने तो सोच लिया कि वो अब अपनी मोहब्बत को दुआ से छीन कर रहेगी, इसी वजह से वो फराज के पास जाती है, फराज से कहती है कि मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगी अगर तुम दुआ और नुशेरमा को अलग कर दो। दुआ का नाम सुनने के बाद फराज शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि कौन, मैं किसी दुआ को नहीं जानता। तो फराज से कहती है कि वही दुआ जिसके साथ तुमने धोखा किया, जिसकी वजह से उसे अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ा, सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है और मुझे सब कुछ मालूम है कि उस सब में दुआ का कोई भी कसूर नहीं था। अगर तुम चाहते हो कि सच दुनिया के सामने ना आए तो तुम्हें मेरा काम करना होगा और उस काम के लिए मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगी। तो व्यूअर्स आपको लगता है कि फराह और फराज मिलकर नुशेरमा दुआ को अलग कर पाएंगे या नहीं, कमेंट करना मैं जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।